हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको 5 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को बताने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखिए और इन वीडियोज़ को अच्छे से अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। देखिए बच्चे, थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे थोड़ा सा साउंड आता है बाहर से, तो इस कारण से इसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपके भारत देश ने की है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू में लिखा जा रहा है कि रेमन मैक्सिस पुरस्कार क्या है। रेमन मैक्सिस पुरस्कार यानी रेमन मैक्सी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रेमन मैक्सी अवार्ड 2021 से आपको उपयुक्त में से जिनका भी नाम दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब और स्टीवन मुंशी और वाचडाक और रॉबर्टो बैलोन, उपयुक्त सभी यानी सभी जो हैं आपके, उन सभी को आपके रोमन मैग्सेसी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर एफ हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन देने का मकसद है कि इनमें से किसी का भी नाम आपके ऑप्शन में दिया गया हो, सारे नाम क्या होंगे, करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए इन सभी के नाम को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर्स है, तो याद रखिएगा कि ये करंट अफेयर्स इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा दिए जाते हैं और उसी पैटर्न पे हम आपको यह दे रहे हैं। तो सभी बच्चे देखिए, आपका कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाला है, सो आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो इसे ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं वो आपको अतुल भट्ट को बनाया गया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये जो RINL जो होता है, ये RINL का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो RINL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RINL का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका जो स्थापना हुआ था, ठीक है, यानी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 फरवरी 1982 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, और इसके CMD का नाम हमने बता दिया आपको, अतुल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें लिखा जा रहा है कि द मर्डरर द मोनार्क एंड द फकीर, द मर्डरर द मोनार्क एंड द फकीर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक लिखी गई है उपयुक्त दोनों यानी अप्पू स्थोस सुरेश और प्रियंका कोट मराजू दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नोट करके लिखिएगा यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक के नाम, जिसमें कि पहला नाम रहेगा आपका माई ओन MAJZADON मैगजोन, क्या है, माई ओन मैगजोन, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो माई ओन मैगजोन आपका ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है रमेश बाबू के द्वारा। ठीक है, रमेश बाबू के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर में लिखा जा रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष और कहें चेयरमैन आपको ये किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है JV महापात्रा को, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, JV महापात्रा क्या है, प्रकाश चंद्र मोदी के जगह लेंगे, क्या लेंगे, ये JV महापात्रा जो है वो इनसे पहले जो इस पोजीशन पे प्रकाश चंद्र मोदी थे तो उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये CBDT जो है, इस CBDT का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसका एस्टेब्लिशमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट लिख लीजिएगा, वो कब हुआ था, तो 1924 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा जा रहा है कि
सोलंग त्यौहार, सोलंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलंग फेस्टिवल आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में मनाया जाता है, उनके नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बनने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ओनम फेस्टिवल। ठीक है, ओनम फेस्टिवल लिखिएगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका केरल में। कहाँ पे ओनम फेस्टिवल, केरल में मनाया जाता है। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा आपका वंचुवा फेस्टिवल, WANCHUWA, वंचुवा फेस्टिवल। ये आपका कहाँ मनाया जाता है, तो वंचुवा फेस्टिवल मनाया जाता है असम में, असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपका नंबर थ्री में लिखिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख दे, असम, ASAM, असम में। और ऑप्शन नंबर ये आपका नंबर थ्री में लिखेगा आपका कि हरेली फेस्टिवल, HARELI, हरेली फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो हरेली फेस्टिवल आपका मनाया जाता है तो कहाँ पे, आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की ओर। नंबर सेवन्थ में लिखा जा रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दो पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी, यानी आपके टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा, इन्हें बनाया गया है, अवनी लेखरा बनी है। ठीक है, ये इन्हें बनाया नहीं गया है, सॉरी, ये आपको अपने दम पर इन्होंने दो पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि खेल से बहुत बार आपको क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे और भी जो टोक्यो ओलंपिक में अलग अलग पदक जीते हैं, तो उनके नाम भी हमने आपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस दिए हैं करंट अफेयर्स के उसमें बताया है। तो आप सभी वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा जा रहा है कि बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है। तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नंबर नाइन्थ में लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये आपके 21वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। NCERT का फुल फॉर्म सबको पता होता है, क्या होता है उसका, NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ। नंबर टेंथ में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, यह बोला जा रहा है कि स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब IIM पंजाब को किसने शुरू किया है। तो स्टार्टअप क्षेत्र को शुरू करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को शुरू करने वाले का नाम क्या है, उनका नाम है अमरिंदर सिंह। क्या है, अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है आज के करंट अफेयर्स थे टुडे के। तो आज आपका टीचर्स डे भी है जैसा कि आपको पता है, तो बहुत लोगों ने विश किया है, तो उन सभी को हम थैंक यू बोलेंगे और आपको बोलेंगे कि आप अपने पढ़ाई की तरफ फोकस्ड होइए, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले बच्चों का तो एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुका है, और जिनका एग्जामिनेशन नहीं आया है वो भी अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।